चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आखिरी यूनिट को, आखिरी चैप्टर को, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपके पास मनी और बैंकिंग नाम का सब्जेक्ट है, तो मनी और बैंकिंग की जो लास्ट यूनिट है मॉनेटरी पॉलिसी, मैं उसको स्टार्ट करवा रहा हूँ। और अगर आप DU के स्टूडेंट नहीं हो, मनी और बैंकिंग के स्टूडेंट नहीं हो, आप एक नॉर्मल छात्र हो, लेकिन आपके पास भी मॉनेटरी पॉलिसी नाम का चैप्टर है या टॉपिक है, तो बेटा आपके लिए भी ये वीडियो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा DU के बच्चों के लिए है। बिकॉज टॉपिक तो सेम है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है क्या है वही टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। फिर आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप भले 12th में हो, आप BA BCOM के स्टूडेंट हो, आप चाहे नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इवन क्या पता आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, हर जगह मॉनेटरी पॉलिसी सेम है। तो किसी भी लेवल का स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, बिल्कुल बेटा बेसिक से लेके जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा। ये एक वीडियो नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी पूरी डिटेल में कराऊंगा, तो उसके ऊपर अच्छे से 4-5 वीडियो बनेंगी और क्या पता ज्यादा भी बन जाए। तो बिल्कुल डिटेल में अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी करवाया जाएगा और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा उनको भी यहां पे डिस्कस किया जाएगा। मेनली ये वीडियो DU के स्टूडेंट जिनके पास मनी और बैंकिंग नाम का सब्जेक्ट है उनके लिए बनाई जा रही है, लेकिन अगेन बोल रहा हूं ये उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी सबके लिए भी है जिनके पास मॉनेटरी पॉलिसी नाम का टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है या फिर चैप्टर है। ठीक है, तो होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि व्हाट इज दिस मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेटा मेरी एक बात को जरा समझने का प्रयास करना, एक देश जो होता है वो देश आज की डेट में बात करें वो देश चलता है पैसों से, मनी से। अगर देश में पैसा है देश अच्छा वर्क करेगा। आज के डेट में पूरी की पूरी देश में वर्किंग बेटा मनी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से होती है। अब जो पैसा है इसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इस पैसे से पूरा देश चल रहा है, तो इस पैसे को मैनेज करना पड़ेगा ना। अब भैया एक देश में पैसा ज़्यादा भी हो सकता है, एक देश के अंदर पैसा कम भी हो सकता है। ज़्यादा होगा या कम होगा तो उसके अलग अलग कंसिक्वेंसेस आएंगे, उसके अलग अलग परिणाम आएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो देश में पैसे को, मनी को मैनेज करती है। सिंपल सिंपल शब्दों में बहुत, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो देश में पैसे को, मनी को मैनेज करती है। भैया एक देश में पैसे का ज़्यादा होना या पैसे का कम होना दोनों अच्छी बात नहीं है। बेटा देश में जो मनी है उसकी जो क्वांटिटी है वो स्टेबल होनी चाहिए। मतलब मनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी नहीं होना चाहिए और मनी कम क्वांटिटी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। बेटा मनी को एक लेवल में होना चाहिए। तो इस मनी को कैसे मैनेज किया जाएगा, देश में प्राइस कीमत एक लेवल में होनी चाहिए, कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए और कीमतें ज़्यादा घटनी भी नहीं चाहिए। इन कीमत को कैसे मैनेज किया जाएगा, इन पे कैसे कंट्रोल पाया जाएगा, इन सब को समझने के लिए, मनी पैसा ये ऐसी ऐसी टर्म्स को समझने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी नाम का टॉपिक बनाया गया। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, तो हर एक देश अपनी कंट्री में पैसे को मैनेज करने के लिए, ठीक है, प्राइस को मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी उस देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। एग्जांपल के तौर पे इंडिया का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा इंडिया की। US का सेंट्रल बैंक जिसका नाम फेड है वो बनाएगा US की मॉनेटरी पॉलिसी। हर देश का सेंट्रल बैंक उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जिम्मेदार होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है तो उस देश में मनी के फ्लो को, प्राइसेस को, इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को, इन सब को मैनेज करती है। समझ में आ गया, अभी आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा लेकिन अभी आप थोड़ा और जरा देखो वीडियो को, थोड़ा और आगे बढ़ो, ठीक है, जरा थोड़ा कॉन्स्टेंट होकर देखो, भाई साहब मॉनेटरी पॉलिसी बस जाएगी आपके दिमाग में, समझ में अच्छे से आएगा कि बस मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से जरा पढ़ने का ट्राई करो। एक बार जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। यस, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होता है जो पूरे देश के लेवल की हो। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेट डाउन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। और मॉनेटरी पॉलिसी को एक देश की मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है।
और एक देश की मॉनेटरी अथॉरिटी उस देश का सेंट्रल बैंक होता है। आगे बोलता है इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ पे आता है मेन की मॉनेटरी पॉलिसी, मेन क्या क्या आता है, इट इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहला यहाँ पे मनी सप्लाई को मैनेज करना पड़ता है। मनी सप्लाई का मतलब है देश में पैसों की क्वांटिटी, देश में पैसों की मात्रा, देश में पैसा ज्यादा है या देश में पैसा कम है, बेटा उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। देश में पैसा ज्यादा कब होना चाहिए या कब कम होना चाहिए, इस चीज को एक देश की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी। तो मनी सप्लाई को मैनेज करना, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, किसको कितना लोन मिलना चाहिए, देश में लोन, जनता को लोन ज्यादा मिलना चाहिए या लोन कम मिलना चाहिए, उसको मैनेज करना किसका काम है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। इंटरेस्ट रेट, कि जो लोग बैंक में जाके लोन लेते हैं उन्हें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलना चाहिए, उस इंटरेस्ट रेट को भी तय करना मॉनेटरी पॉलिसी का ही काम है। और इसके अलावा प्राइस लेवल को तय करना कि देश में वस्तु के प्राइस क्या होने चाहिए, कब प्राइस बढ़ना चाहिए, कब प्राइस घटने चाहिए, उसको भी मैनेज करना मॉनेटरी पॉलिसी का ही काम होता है। इट मीन जहां जहां पैसा आएगा वहां वहां मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या होता है, देश में पैसे को मैनेज करना। मेरी बात समझ में आ रही है कि कब देश में मनी ज़्यादा होगा, कब देश के अंदर मनी कम होगा, कब देश में प्राइस ज़्यादा होंगे, कब देश में प्राइस कम होंगे, कब देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, कब इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन सबको मैनेज करना मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है। आगे बोलता है, यहाँ पे गल लिखा है, यहाँ पे आएगा मॉनेटरी पॉलिसी। आगे बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब हम आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे और आरबीआई की वेबसाइट पे जाके मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आरबीआई की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है, अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो काम, कितने काम, दो काम। आरबीआई कहता है सबसे पहला प्राइस स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी का पहला काम है प्राइस को स्टेबल करना, ना तो प्राइस ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना प्राइस ज़्यादा घटना चाहिए, प्राइस एक लेवल में होना चाहिए। और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा काम है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, देश के जीडीपी को बढ़ाना, देश की ग्रोथ को बढ़ाना। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कौन कह रहा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बोलता है इन द वर्ड्स ऑफ हैरी जी जॉनसन, कोई व्यक्ति होंगे अंग्रेज जिनका नाम क्या हैरी जी जॉनसन, जो भी हो हमें उससे क्या, ये बोलते हैं द मॉनेटरी पॉलिसी मींस रेगुलेटरी पॉलिसी वेयर बाय द सेंट्रल बैंक मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ मनी टू अचीव जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये कहते हैं कि भाई देश के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो कि देश के नॉर्मल से ऑब्जेक्टिव है, जीडीपी ग्रोथ वगैरह, फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ ऑब्जेक्टिव है, जीडीपी ग्रोथ हो, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको जॉब मिले, तो देश के कुछ ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए मनी सप्लाई पर कंट्रोल करने की जो पॉलिसी होती है बेटा उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिसके माध्यम से मनी सप्लाई पर कंट्रोल पाया जाता है। मनी सप्लाई का मतलब है कि भाई देश में कितना पैसा घूम रहा है, देश में कितना पैसा डोल रहा है, डोल मतलब कितना पैसा घूम रहा है, डोलर डो है ना, डोलर डो, तो कितना पैसा घूम रहा है, कितना पैसा डोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। अब वो पैसा ज्यादा डोल रहा है, इट मीन ज्यादा घूम रहा है, या कम डोल रहा है, कम घूम रहा है, उसको मैनेज कौन करेगा, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, किसके माध्यम से, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। क्यों करेगा, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। तो भैया अल्टीमेटली बार बार एक ही बात आ रही है, इन सब में मैंने बार बार एक ही बात रिपीट करी है, पैसों को मैनेज करना, पैसा ज़्यादा होगा कम होगा देश में, जनता के पास ज़्यादा पैसा कम पैसा, कौन बताएगा, कौन मैनेज करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी। आगे बोलता है इंडिया में आरबीआई कंस्ट्रक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई, कौन सा भाई, भाई नहीं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की वेबसाइट से निकाला मैंने डेफिनेशन, तो आरबीआई की वेबसाइट पर लिखा है
कि अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई के एक्ट 1934, जिसको कि 2016 में थोड़ा चेंज भी किया गया, तो आरबीआई के एक्ट 1934 में लिखा है, क्या लिखा है वहां पे, लिखा है आरबीआई इज एंट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया विद द प्राइम। अब पहले समझो क्या लिखा है, यहां लिखा है कि भैया आरबीआई की ही जिम्मेदारी है कि वो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करवाएगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ आरबीआई कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा और वो उस पूरी की पूरी पॉलिसी को देश में अच्छे तरीके से लागू करवाएगा, अप्लाई करवाएगा। और क्यों करवाएगा, तो उसके दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाई जा रही है, ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके, कीमत ना तो ज्यादा बढ़े ना ज्यादा घटे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, कि भैया जीडीपी या फिर ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को भी प्राप्त किया जा सके। तो ये मेनली दो ऑब्जेक्टिव, प्राइस और ग्रोथ, इन दो ऑब्जेक्टिव की वजह से ही देश में मॉनेटरी पॉलिसी को लागू किया जाता है। तो ये तो था मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, होपफुली समझ में आ गया होगा। भाई इन सब बातों में ना बस कुछ ही बात समझ में आ रही है, वो समझ में आ रही है कि मनी सप्लाई ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कि लोन किस प्रकार बढ़ना चाहिए, ज्यादा या कम, इंटरेस्ट रेट कैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी कीमतें स्थिर रहे ना तो कीमत ज्यादा बढ़े ना ज्यादा घटे, और इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को भी प्राप्त किया जा सके। तो मेन 1, 2, 3, 4 और 5 बात समझ में आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन पांचों बातों के आसपास घूमती है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए तो मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग तो क्लियर है, और हर एक देश मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और अच्छे से उसको अपनाता भी है। अब आगे बच्चों बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव की, टारगेट्स की या गोल की, तो यहां पे लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इसके टारगेट क्या है, इसके गोल्स क्या है। आओ जरा मैं समझाऊं पहले इसका मतलब क्या है। बेटा देखो, बात करूं टारगेट की, तो मॉनेटरी पॉलिसी में बच्चों दो प्रकार के टारगेट होते हैं। अगर आप अपनी बुक उठाओगे तो आपको मिलेगा कि टारगेट आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है बच्चों, एक होते हैं इंटरमीडिएट टारगेट और बच्चों एक होते हैं फाइनल टारगेट। मॉनेटरी पॉलिसी के फाइनल टारगेट का मतलब है कि जो हम अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि हम अचीव करना चाहते हैं ग्रोथ, कि देश में ग्रोथ बनी रहे, हम अचीव करना चाहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी कि देश में कीमतें स्टेबल रहे, हम अचीव करना चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट कि सबके पास अल्टीमेटली क्या हो, रोजगार हो, और भी बहुत सारे। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव है फाइनल, कि हम अल्टीमेटली ग्रोथ पे पहुंचना चाहते हैं, हम अल्टीमेटली प्राइस को स्टेबल करना चाहते हैं, हम अल्टीमेटली देश में फुल एम्प्लॉयमेंट चाहते, इट मीन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, ट्रेड साइकिल स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, आगे दो चार और भी है, इट मीन जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा अभी आगे, इनको बच्चों बोलते हैं फाइनल टारगेट। और एक बच्चों होते हैं इंटरमीडिएट टारगेट, ये आगे आने वाली वीडियो में आएगा। इंटरमीडिएट टारगेट बच्चों वो होते हैं जो फाइनल टारगेट तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस समय यहां पे हूं, और बेटा मान लो मेरे को जो है यहां पर पहुंचना है, अब यहां से यहां पर जाने के लिए बेटा मुझे बीच में कुछ छोटे छोटे टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। पहले यहां पहुंचना पड़ेगा, फिर यहां पे और एंड में यहां पर पहुंचूंगा, तो दैट इज माई फाइनल टारगेट, और जो बीच में मैंने प्राप्त की है दैट इज माई इंटरमीडिएट टारगेट। तो मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, एक बच्चों होते हैं फाइनल, एक होता है इंटरमीडिएट। आज हम बात करेंगे फाइनल टारगेट की, और आगे आने वाली वीडियो में आपको बच्चों पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट टारगेट क्या होता है, और इंटरमीडिएट टारगेट के ऊपर भाई पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। स्वयं आ गया, तो जरा वापस आते अपने नोट्स पे। तो यहां पे लिखा है
कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, गोल्स क्या है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहला अपना वही पुराना वाला गोल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भैया देश में ग्रोथ हो, देश का जीडीपी बढ़े। अब इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार प्राप्त की जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, तो आइए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अब मैं कुछ आपसे बातें डिस्कस करने जा रहा हूं। जरा देखो भाई, बेटा मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार की होती है। यहां पे लिखा मैंने मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बच्चों दो प्रकार की होती है। एक मैंने बोला इजी मॉनेटरी पॉलिसी, और बच्चों एक मैंने बोला टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इजी को बच्चों आप चाहो तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोल सकते हो, और बच्चों टाइट को चाहो तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी आप बच्चों उसको बोल सकते हो। और भी नाम होते हैं इनके, फिलहाल आप दो नाम जानो, इजी या फिर टाइट, या फिर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। अब जरा मेरी बात सुनो, मॉनेटरी पॉलिसी दो होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बोले तो कि भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अपने को लोन पे कितना इंटरेस्ट पे करना है। अगर मैं बैंक में लोन मांगने जा रहा हूं ना, तो मैं बैंक वाला कितना इंटरेस्ट मुझसे मांग रहा है, बैंक वाला मुझसे कितना इंटरेस्ट मांग रहा है, वो इंटरेस्ट पता है कैसे आया, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आया। यस, आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी है, आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी नाम की ये चाबी है, ये ऐसी ऐसी चाबी है जो पता नहीं कौन कौन से ताले खोल देगी। यस, आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी नाम की ऐसी चाबी है कि जहां वो उसको घुमाएगा बेटा वैसा देश में होगा। अगर आरबीआई चाहेगा ना देश में लोन पे इंटरेस्ट हो ज्यादा, कि हम लोन मांगने जाए और इंटरेस्ट हो ज्यादा, तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। और आरबीआई चाहे तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश में इंटरेस्ट रेट को घटा भी सकता है। वो कैसे होता है सारी बातें जानेंगे। फिलहाल समझो, मान लो अगर आरबीआई ने इजी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया, तो उसका बच्चों सिंपल सिंपल मतलब ये है कि देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का मतलब है कि अब हम बैंक में लोन मांगने जाएंगे, सस्ते में लोन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा मान लो 10% था, जो कि घटकर बेटा कितना हो गया, मान लो 5% हो गया, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कम। इसे क्या बोलते हैं, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। अब बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि देश में अब लोन बटेगा ज्यादा, लोग लोन लेंगे ज्यादा, क्योंकि लोन सस्ता मिलेगा तो लोग जाएंगे, भाई सस्ता मिल रहा है लोन, चलो बैंक चलो लोन लेके आते, लोग लोन ले लोन लेने जाएंगे ज्यादा। जब लोन बटेगा ज्यादा, अब जब लोग लोन लेने जाएंगे तो लोग के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज भी लोन मांगने जाएगी, बड़ी बड़ी फर्म भी लोन मांगने जाएगी, बिकॉज लोन सस्ता मिल रहा है। इससे मार्केट में लोन बटेगा ज्यादा, बड़ी बड़ी कंपनी लोन ले लेगी, बड़ी बड़ी फर्म लोन ले लेंगी। और जब लोन बटेगा ज्यादा तो बेटा इससे मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगी ज्यादा, बिकॉज जब बड़ी बड़ी कंपनी या फर्म लोन लेंगी तो वो उस लोन वाले पैसे को अपने प्रोडक्शन में यूज करेगी, अपनी कंपनी में यूज करेगी, अल्टीमेटली देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि उस लोन के पैसे से इन्वेस्टमेंट होगी, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब जब देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, अल्टीमेटली देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब देश में वस्तु और सेवाओं का निर्माण बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो यू नो दैट अल्टीमेटली देश में ग्रोथ बढ़ेगी, हम ग्रोथ की ओर जाएंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से हम ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर देश में ग्रोथ को बढ़ानी है तो आरबीआई इजी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करेगा। और अगर ग्रोथ को घटाना है, यस हम ग्रोथ को घटा भी सकते हैं, अगर ग्रोथ को घटाना है तो इसको उल्टा करेगा वो टाइट या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करेगा। इसमें उल्टा होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ज़्यादा। जो इंटरेस्ट 10% पर मिल रहा था बेटा, अब वो मिलेगा बेटा महंगे दाम पे, 10% से बढ़ के बेटा मान लो कितना हो गया, 10% से बढ़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों कितना हो गया, 20%। अब जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, अब बैंक वाले महंगे दाम पर लोन दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इससे बेटा मार्केट में लोन कम बटे। क्यों,
मार्केट में लोन इसलिए कम बटेगा बिकॉज लोन महंगा मिल रहा है। अब जब मार्केट में लोन कम बटेगा, बड़ी बड़ी कंपनी लोन नहीं लेगी, बड़ी बड़ी फर्म लोन नहीं लेगी बिकॉज लोन महंगा मिल रहा है। इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट घटेगी तो देश में प्रोडक्शन का लेवल घट जाएगा, और जब प्रोडक्शन का लेवल घट जाएगा तो अल्टीमेटली बच्चों देश में जो ग्रोथ का लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा। ऊपर ग्रोथ बढ़ रही थी, यहाँ पे ग्रोथ डाउन हो गई। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से बेटा ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, और वह चाहता है हमेशा, आरबीआई चाहता है हमेशा कि वो ऐसी पॉलिसी का प्रयोग करे जिससे देश में ग्रोथ बढ़े। समय में आ गया। तो आरबीआई का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का या आरबीआई का पहला ऑब्जेक्टिव बच्चों होता है ग्रोथ, कि ग्रोथ को किस प्रकार कंट्रोल या मैनेज किया जाए। होपफुली ये आपको फ्लोर चार्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कैसे जो है एरो के माध्यम से आपको समझाया। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भैया इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित किया जा सकता है। डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट कैन बूस्ट अप द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा तो उससे इन्वेस्टमेंट का बच्चों लेवल बढ़ जाएगा। तो वही तो बोलता है, डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट कैन बूस्ट अप द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इट मीन्स इसका उल्टा, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम, इंटरेस्ट रेट कम तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा। और एक बात सिंपल, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा तो ग्रोथ अच्छी, इन्वेस्टमेंट कम तो प्रोडक्शन कम तो ग्रोथ भी कम। इसके अलावा फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल इफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज सक्सीड्स इन मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। अब केवल इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट के साथ साथ बच्चों प्राइस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। देश में प्राइस का लेवल भी स्टेबल होना चाहिए। अगर प्राइस बहुत बढ़ रहा है या बहुत घट रहा है तो ऐसे देश में ग्रोथ नहीं आती। देश में ग्रोथ तब आती है जब प्राइस का लेवल भी स्टेबल हो, प्राइस भी एक लेवल में रहे। तो वही बोलता है कि भाई सब ग्रोथ के लिए प्राइस का स्टेबल होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और कैसे प्राप्त किया जाएगा। चलिए अब हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड ऑब्जेक्टिव या टारगेट है प्राइस स्टेबिलिटी। बेटा प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस का स्टेबल होना, ना तो प्राइस बहुत बढ़ जाए ना तो प्राइस बहुत घट जाए। जब प्राइस एक लेवल में रहते हैं ना, उसको बच्चों बोलते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, या फिर उसको बच्चों बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से भैया प्राइस को भी स्टेबल किया जाता है। वो कैसे, तो पहले समझो फिर हम इसके आगे जो है रीडिंग भी करेंगे। बेटा अब जरा मेरी बात को समझो, अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना अच्छे से। वही वाली बात मैं अगेन रिपीट करूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार की होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बच्चों दो प्रकार की होती है, एक होती है इजी और बच्चों एक होती है टाइट। अगर बात करें इजी की, तो इजी का मतलब होता है जहां पे इंटरेस्ट रेट बच्चों क्या हो, जहां पे इंटरेस्ट रेट हो कम, और टाइट मतलब का जहां पे इंटरेस्ट रेट बच्चों क्या हो ज्यादा। अब आओ समझो पहले वाले को। अगर मॉनेटरी पॉलिसी बच्चों इजी अपनाई है, तो इजी वाले केस में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कम, जिसकी वजह से लोग लोन लेते हैं ज्यादा। अब अगर लोग लोन लेंगे ज्यादा तो बच्चों समझना मैंने क्या लिखा, बेटा मनी सप्लाई हो जाएगी ज्यादा। अब भैया मनी सप्लाई हो जाएगी ज्यादा बोले तो, बेटा मनी सप्लाई का मतलब होता है जनता की जेब में पैसा। इस समय जनता की जेब में कितना पैसा है, कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, कितना पैसा देश में घूम रहा है, दैट इज द मनी सप्लाई। जो पैसा बैंकों के पास अंदर पड़ा है जिसका कोई यूज नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उस पैसों की बात कर रहा हूं जो मार्केट में समय सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज योर मनी सप्लाई। अब जरा मेरी बात सुनो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कम, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इजी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कम, मार्केट में लोन बढ़ रहा है ज्यादा। अब मार्केट में लोन हो रहा है ज्यादा तो बेटा मार्केट में मनी सप्लाई होगी ज्यादा। मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है जनता की जेब में पैसा होगा ज्यादा। और सुनो, अगर जनता की जेब में बच्चों पैसा है ज्यादा,
तो याद रखना देश में कीमतें बढ़ेगी, देश में प्राइस बढ़ेंगे। यस, अगर देश में मनी सप्लाई मुद्रा पूर्ति बढ़ती है तो बेटा प्राइस बढ़ते हैं। और उल्टा कर दो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तो बेटा लोग लोन लेंगे कम, बिकॉज लोन महंगा मिल रहा है। अब जब लोग लोन कम लेंगे तो उनकी जेब में पैसा कम होगा, मनी सप्लाई होगी कम, बिकॉज अगर लोन ज्यादा, अगर लोग लोन लेंगे ज्यादा तो मनी सप्लाई ज्यादा, अगर लोन कम तो मनी सप्लाई कम। और सुनो, अगर मनी सप्लाई कम, जनता की जेब में पैसा कम, तो बेटा याद रखना देश में कीमतें भी हो जाएगी कम, बेटा देश में प्राइस लेवल भी घट जाएगा। इसको समझाने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर वन, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली ये कहता है अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है, अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लो मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ, मैं अपने लेक्चर्स बेचता हूँ, अब मुझे पता है यार आप सारे पैसे वाले हो, आपकी जेब में आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है, तो मैं आपको लेक्चर सस्ते में क्यों बेचूं? जब मेरे को पता है सामने वाली पार्टी की जेब में पैसा है तो मैं उससे क्यों नहीं चार्ज करूंगा महंगा, मैं उससे महंगा चार्ज करूंगा। जब मेरे को पता है कि सामने वाले की जेब में पैसा है ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा, इसका मतलब भाई मैं अगेन बोल रहा हूँ, मनी सप्लाई का मतलब समझ लो जनता की जेब में पैसा, जनता की जेब में पैसा, मनी सप्लाई ज़्यादा, जनता की जेब में पैसा ज़्यादा। अब अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसा होगा भाई मैं तो आपको महंगा बेचूंगा, मुझे पता है मुर्गा आ गया, अब इसे काटूंगा, भाई पैसे वाली मुर्गी है इसे पकड़ो से काटो, तो भैया मैं तो प्राइस बढ़ा दूंगा। अब अगर आपकी जेब में पैसा कम, मनी सप्लाई कम, आपकी जेब में पैसा कम, आप चाहकर भी ज़्यादा पे कर ही नहीं सकते, आप गरीब हो, आपकी जेब में पैसा कम, तो फिर मेरे को भी प्राइस कम ही करने पड़ेंगे, मेरे को भी लेक्चर सस्ते में ही बेचने पड़ेंगे, मैं ज़्यादा में बेच नहीं सकता क्योंकि आपकी जेब में उतना पैसा ही नहीं है कि आप महंगा खरीद सको, तो मेरे को भी मजबूरी में दाम कम करने ही पड़ेंगे। तो सुनो, जनता की जेब में पैसा ज़्यादा तो देश में कीमत ज़्यादा, जनता की जेब में पैसा कम तो देश में कीमतें कम। मैं इस चीज़ को आपको प्रॉपर रीज़न के साथ डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। समझो जरा, समझो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, ये जो बता रहा हूँ ये भी पता होना चाहिए, इससे थोड़ा अलग है, इससे थोड़ा अलग है, थोड़ी बेसिक बात इकोनॉमिक्स की जानो, थोड़ा अलग से ज्ञान लो। बेटा मेरी बात सुनो, अगर मनी सप्लाई होगी ज़्यादा, बेटा मनी सप्लाई होगी ज़्यादा मतलब जनता की जेब में पैसा ज़्यादा, तो देखो अगर जनता की जेब में पैसा ज़्यादा तो बेटा व्यक्ति डिमांड करेगा ज़्यादा। अगर मेरी जेब में ज़्यादा पैसा है तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, मैं ये भी खरीदूँगा, वो भी खरीदूँगा, ये भी वो भी। जनता की जेब में पैसा ज़्यादा, व्यक्ति डिमांड करेगा ज़्यादा। अब डिमांड अगर ज़्यादा करेगा तो बेटा प्राइस बढ़ेंगे, वस्तु महंगी होगी। याद रखना, जब डिमांड बढ़ती है तो बच्चों प्राइस बढ़ते हैं, संबंध है पॉजिटिव। अरे नहीं भैया, हमने तो पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में एक नेगेटिव संबंध होता है। अरे मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चे सुन, प्राइस डिमांड में नेगेटिव होता है, लेकिन वो तब होता है जब मैं प्राइस से डिमांड पे आऊं। यहां पे देखो एरो, मैं डिमांड से प्राइस पे जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोलता ना बेटा प्राइस बढ़ेगा, तो आप बोलते भैया डिमांड घटेगी, बेटा प्राइस घटेगा भैया डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले प्राइस की बात करी, जब प्राइस बढ़ता है तब डिमांड घटती है, जब प्राइस घटता है तब डिमांड बढ़ती है, लेकिन अब मैं पहले डिमांड की बात कर रहा हूं। बेटा डिमांड बढ़ेगा तो भैया प्राइस भी बढ़ेंगे, डिमांड से प्राइस पे आऊंगा पॉजिटिव। और डिमांड समझ में आ रहा है? तो अगर जनता की जेब में पैसा ज्यादा, बेटा जनता वस्तु की डिमांड करेगी ज्यादा, जनता वस्तु की डिमांड करेगी ज्यादा, देश में प्राइस बढ़ेगा। भैया ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, जरा प्रूफ करो। तो बेटा मेरी बात सुनो, अगर याद हो तो आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि कीमत को किस प्रकार डिसाइड किया जाता है, एक्स वाई जीरो। बच्चों डी डी इज द डिमांड कर्व एंड एस एस इज द सप्लाई कर्व। और आपको पता होगा जहां पर दोनों आपस में कट करते हैं बेटा, वो हमारा होता है प्राइस और हमारी होती है क्वांटिटी। तो यहां पे ओपी क्या हो गया, प्राइस, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ई इक्विलिब्रियम, और यहां पे कट कर ओपी आपका प्राइस हो गया। अब मैंने बोला बेटा देश में मनी सप्लाई है ज्यादा, मतलब जनता की जेब में पैसा है ज्यादा, तो जनता डिमांड करेगी ज्यादा। अब अगर जनता डिमांड करेगी ज्यादा, वस्तु की डिमांड करेगी ज्यादा, इतनी इको तो आती होगी भैया, अगर डिमांड ज्यादा तो डिमांड कर्व जाएगा राइट में, ये बन गया नया डिमांड कर्व D1।
क्या सप्लाई की बात हुई? सप्लाई कोई बात नहीं भैया, बस डिमांड बढ़ी है, जनता की जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है ना, डिमांड बढ़ गई, डिमांड यहाँ पहुंच गया, सप्लाई कर आपका सेम रहेगा। अब देखो ये नए डिमांड कर सप्लाई कर ने यहाँ पे काटा, ये क्या बन गया? न्यू पॉइंट इवन। और यहाँ पे आप देखोगे सामने आके तो बताओ प्राइस का लेवल बेटा पहले क्या था? ओपी, अब क्या हो गया? ओपी वन। प्राइस का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया भैया, वस्तु महंगी हो गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जनता की जेब में पैसा ज़्यादा, जनता डिमांड करेगी ज़्यादा, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के बढ़ते ही बेटा प्राइस का लेवल भी ओपी, मान लो पहले 10 था, अब बढ़ के ओपी 1 बेटा मान लो 12 हो गया, तो प्राइस बढ़ेगा। और उल्टा कर दो, अब इसका उल्टा कर दो, जनता की जेब में पैसा कम, जनता डिमांड करेगी कम, जनता डिमांड करेगी बच्चों कम, तो प्राइस का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम। तो समझ जाओ मनी सप्लाई का प्राइस के साथ एक पॉजिटिव संबंध है। जनता की जेब में पैसा ज्यादा, इट मीन्स मनी सप्लाई ज्यादा, तो बेटा प्राइस ज्यादा। जनता की जेब में पैसा कम, इट मीन्स मनी सप्लाई कम, तो प्राइस कम। समझ में आ गया? तो ये वाली बात आपको मैंने बता दी, इसको चाहो तो नोट कर लो, इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए अब जरा यहां पर आप आ जाओ, तो देख रहे हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश में प्राइस के लेवल को भी कंट्रोल किया जाता है। अगर आरबीआई चाहेगा तो अपनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश में प्राइस बढ़ा देगा, और अगर आरबीआई चाहेगा अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश में प्राइस को घटा देगा। अब जरा मेरी बात को समझो, मान लो अगर देश में बहुत महंगाई बढ़ रही है, अगर क्या है देश के अंदर बच्चे, बहुत इन्फ्लेशन है, समझते हो? इन्फ्लेशन का मतलब देश में बहुत महंगाई बढ़ रही है, बहुत दाम बढ़ रहे हैं, तो बताओ इन्फ्लेशन के टाइम में, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम में क्या करना चाहिए? अगर देश में कीमतें बहुत बढ़ रही है ना, बहुत बढ़ रही, आसमान छू रही है, तो आरबीआई को प्राइस कम करना चाहिए। तो अगर देश में इन्फ्लेशन है, बहुत महंगाई है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई प्राइस को नीचे लेके आएगा, और नीचे लाने के लिए आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करेगा। और अगर देश में उल्टा है, डिफ्लेशन है, भाई साहब कीमतें बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। कीमत का कम होना भी अच्छी बात नहीं है, याद रखो, कीमत का ना तो ज़्यादा बढ़ना अच्छी बात है, ना कम होना अच्छी बात है। अगर कीमतें बहुत कम है, तो कीमतों को ज़्यादा ही कम है, तो कीमत को बढ़ाओ, और कीमत को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? आरबीआई ईजी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करेगा। तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इजी या टाइट करके आरबीआई मार्केट में प्राइस के लेवल को भी मेंटेन करता है। इजी मॉनेटरी पॉलिसी को बच्चों मैंने आपको बताया था, इसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, और इसको बच्चों कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, इनके और नाम है। इजी मॉनेटरी पॉलिसी को बच्चों चीप, इट मीन सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, और बच्चों इसको डियर, डियर मतलब क्या, डियर मतलब क्या बेटा, वो वाला डियर नहीं है कि डियर आपने खाना खाया, डियर सो गए क्या, बेटा ये वो वाला डियर नहीं है, ये तुम्हारे बाबू सोना वाला डियर नहीं है। डियर का मतलब होता है महंगा, डियर बच्चों माने क्या होता है? महंगा। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को बच्चों कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। अल्टीमेटली भैया महंगा, हिंदी वाले वर्ड बोला करो, हिंदी वाले वर्ड आसान होते भैया, महंगा, ये महंगी मॉनेटरी पॉलिसी है, और इजी एक्सपेंशनरी या फिर चीप मतलब सस्ती, तो ये सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी है, और ये महंगी मॉनेटरी, भाई सस्ती महंगी क्यों? सस्ती महंगी इसलिए, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है कम, यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है कम, सस्ते में लोन मिल जाएगा। जो लोन 10% के ब्याज पर मिल रहा था, 5% के ब्याज पर मिल जाएगा, सस्ता लोन मिल रहा है ना, इसलिए सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी, चीप सस्ती, ये चीप वो वाला चीप नहीं कि तुम तो बड़े चीप हो, ये बेटा वो वाला चीप नहीं है, चीप मी सस्ता। एक्सपेंशनरी या फिर इजी मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे महंगी, महंगी क्यों? इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जो लोन 10% पे मिल रहा था, अब वो 20% पे मिल रहा, भैया महंगा मिल रहा है, तो महंगी मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम भी आपको बताया मैंने, अलग अलग केस में आरबीआई अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करता है। अगर देश में इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो टाइट का यूज करेगा, और देश में डिफ्लेशन है, प्राइस बहुत घट रहे हैं, तो वो इजी का प्रयोग करेगा ताकि प्राइस को बढ़ा सके। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका प्राइस स्टेबिलिटी वाला पॉइंट।
तो क्या लिखा है, अनदर गोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज अटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी, बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैन हार्मफुल टू एन इकोनॉमी, दोनों ही देश के लिए बच्चों क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ट्राइज टू कीप द वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल, मॉनेटरी पॉलिसी मनी की वैल्यू को स्टेबल रखने का ट्राई करता है कि भैया वैल्यू स्टेबल रहे, ना तो ज्यादा बढ़े ना ज्यादा घटे। ड्यूरिंग रिसेशन, अगर रिसेशन का समय, रिसेशन का बच्चों मतलब होता है मंदी, बेटा बंदी नहीं, बंदी तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं, मंदी बोल लो मंदी। तो अगर रिसेशन है बेटा, मंदी का समय है, इट मीन्स अगर डिफ्लेशन है, तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इजी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करेगा। और अगर बच्चों बूम है, बूम माने तेजी, मतलब महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई डियर या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करेगा। तो होपफुली समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, प्राइस स्टेबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है। बेटा ये वीडियो आपको लग रहा होगा भैया लंबी वीडियो बन रही है, लेंथी वीडियो बन रही है, बट लेकिन सुनो, मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, हर एक चीज को, हर एक लाइन को गहराई में जाके समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर बेसिक अच्छे से पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी का बेस बना लिया, तो आगे जाके आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे। भले ही लंबी वीडियो बनेगी, टाइम जाएगा, बट बेसिक एकदम आपका स्ट्रांग हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी का। क्या आपको दो ऑब्जेक्टिव क्लियर है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर तीन बच्चों होता है ट्रेड साइकिल स्टेबिलिटी। अब ये क्या होता है, तो बच्चों होती है हमारी ट्रेड साइकिल, आपको पता होगा कुछ इस प्रकार की हमारी ट्रेड साइकिल होती है, इसको बच्चों बोलते हैं बूम, बूम चिकी चिकी बूम, इसको बच्चों बोलते हैं क्या, रिसेशन या फिर डिप्रेशन, फिर बच्चों अगेन बूम चिकी चिकी बूम, और फिर अगेन क्या, रिसेशन या डिप्रेशन, और फिर बच्चों अगेन बूम चिकी चिकी बूम, आप समझो ना। तो बूम मतलब अच्छा समय, रिसेशन फिर बूम, फिर रिसेशन फिर बूम, बेटा ये दोनों ही अच्छी चीज नहीं है। भैया क्या बात करो भैया, बूम तो अच्छा होता है, हाँ बेटा बूम तो अच्छा होता है, लेकिन बूम के बाद वापस रिसेशन में जाना, फिर बूम में आना, ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा। भैया स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल का मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसे ना हो के, थोड़ा ऐसे होना चाहिए ना, ना तो ज़्यादा गिरे ना ज़्यादा बढ़े, ना ज़्यादा गिरे ना, एक एक स्टेबल में रहे। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इस ट्रेड साइकिल को भी स्टेबल करती है, इस ट्रेड साइकिल को भी स्टेबल करती है, ट्रेड साइकिल के बच्चों हार्मफुल इफेक्ट से हमको बचाती है। जब बूम रिसेशन ऐसे ऐसे फेस देश में आते हैं, तो उसके बुरे बुरे प्रभाव एक देश को देखने को मिलते हैं। वो देश इन बुरे बुरे प्रभाव को ना देखे, वो देश इन बुरी चीजों के चंगुल में ना फंसे, वो देश के ऊपर इनके बुरे इंपैक्ट ना पड़े, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई एक देश को ट्रेड साइकिल के होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। क्या लिखा है, इकोनॉमी ऑलवेज फेस ट्रेड साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी ऑलवेज ट्राइज टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा ट्राई करती है कि देश को ट्रेड साइकिल के हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सके, जैसे कि रिसेशन के टाइम पे, अब रिसेशन ये वाला भाई अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, गंदी बात। अब रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, सेंट्रल बैंक इजी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करता है। हमने पढ़ा है, देखो देखो देखो, हमने यहां पढ़ा है ना कि अगर रिसेशन होता है क्या होता है, रिसेशन मतलब प्राइस बहुत कम हो रहे हैं, तो ऐसे केस में सेंट्रल बैंक इजी का प्रयोग करेगा। और अगर बूम है, बेटा बूम का मतलब प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में सेंट्रल बैंक डियर का प्रयोग करेगा। तो वही बोलता है रिसेशन के टाइम पे अपने देश को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक इजी का प्रयोग करेगा, और डिप्रेशन और बूम के टाइम पे अपने देश को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक टाइट या फिर डियर का प्रयोग करेगा। तो समझ में आ गया डियर टॉपिक, समझ में आ गया डियर, तो डियर का प्रयोग करेगा मेरे डियर, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए थर्ड पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, ओके। चौथा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या बोला मैंने, फुल एम्प्लॉयमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का
चौथा ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट, कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट तो सबको जॉब मिले, और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश में फुल एम्प्लॉयमेंट को भी प्राप्त किया जा सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे देश में सभी लोगों के पास जॉब होती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में एक देश में कभी भी सबके पास जॉब नहीं होती, कुछ ना कुछ लेवल की तो बेरोजगारी होती होती है, कुछ ना कुछ छोटी सी नन्नी सी इत्तू सी कुछ ना कुछ तो बेरोजगारी होती होती है, जिसको बच्चों बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो एक देश में हमेशा एग्जिस्ट करती करती है। अगर मैं उसको इग्नोर मार दूं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको बच्चों बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आरबीआई क्या एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को प्राप्त किया जा सके, अल्टीमेटली देश में रोजगार बढ़े, देश में जॉब बढ़े। तो भैया आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश में रोजगार भी बढ़ाता है, देश में जॉब भी बढ़ाता है। भैया ऐसे कैसे? तो बेटे मेरी बात सुन, ऐसे कैसे? सुन मेरे बाबू, मेरा सोना, मेरा जादू, मेरा टोना, मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आरबीआई इजी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करता है तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी में बच्चों इंटरेस्ट रेट होता है कम, इंटरेस्ट रेट कम तो भैया मार्केट में लोन बढ़ेगा ज्यादा, अगर मार्केट में लोन ज्यादा तो बड़ी बड़ी कंपनियां फर्म लोन लेंगी, जिससे क्या होगा, जिससे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इससे क्या होगी, देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा। अब अगर देश में इन्वेस्टमेंट होगी ज्यादा तो देश में प्रोडक्शन होगा ज्यादा, और अगर बच्चों देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन क्या हवा में होगा? नहीं ना, प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन ज्यादा कैसे होगा, जब देश में रोजगार बढ़ेगा, जब देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बूझे कि नहीं भैया? बूझे तो समझो ना, अगर मॉनेटरी पॉलिसी आसान अपनाएंगे तो आसान मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो भैया बड़ी बड़ी कंपनी जाएगी और जाके लोन उठा लेगी, सस्ता लोन मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी जाएगी, चलो बैंक सस्ता लोन मिल रहा है, लोन मार्केट में ज्यादा, बड़ी बड़ी कंपनी पैसा उठाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट देश में होगा उतना प्रोडक्शन देश में बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए बंदे चाहिए, लोग चाहिए, इससे अल्टीमेटली क्या होगा, देश में रोजगार बढ़ेगा। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से देश में एम्प्लॉयमेंट के लेवल को भी अफेक्ट कर सकता है, बेटा देश में फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को भी लेके आ सकता है। बूझे? हाँ जी बूझ गए। तो जरा समझो, मॉनेटरी पॉलिसी एम्स एट अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या है भैया? फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सबके पास काम हो। इन ऑर्डर टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल बैंक अडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब वही वाली भाई, इजी वाली भैया, हिंदी में सस्ती वाली, जहां पे लोन मिलेगा सस्ता, लोन मिलेगा सस्ता, लोग लोन लेंगे ज्यादा। लिखा है ना क्रेडिट सप्लाई, इट मीन्स लोन की मात्रा एनकरेज होगी, बढ़ जाएगी, लोग लोन लेंगे ज्यादा। अगर लोन ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट देश में क्या होगा? ज्यादा। और अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, रोजगार भी ज्यादा। तो भैया फुल एम्प्लॉयमेंट को भी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ओके, उसके बाद अपना पांचवा बच्चों आता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का पांचवा ऑब्जेक्टिव है एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनी रहे। भैया ये एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो बेटा मेरी बात सुनो ना, एक डॉलर मान लो इस समय 80 रुपए का है, कितने का बच्चों? मान लो 80 रुपए का है, बेटा इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक फॉरेन करेंसी कितने में मिल रही है, एक फॉरेन करेंसी की वैल्यू कितनी है, उसी को बच्चों बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो जब दो देश की करेंसी को आमने सामने रख के, कंपेयर करवाया जाता है कि तेरी मेरी वैल्यू कितनी, तेरे मेरे बीच में क्या है वैल्यू कितनी, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट कितना है बच्चों? मान लो एग्जांपल के तौर पे एक डॉलर 80 रुपए। अब भैया ये बढ़ भी सकता है, एक डॉलर भैया बढ़ के 90 भी हो सकता है, या फिर
भैया ये घट भी सकता है, एक डॉलर भैया घट के ये 70 भी हो सकता है। तो भैया इसी चीज को मेंटेन करने के लिए कि ये वैल्यू ज्यादा ना बदले, ज्यादा ना उड़े, कि बिल्कुल ही बढ़ के 90 हो जाए या बिल्कुल ही घट के 70 हो जाए, भैया ये अगर बढ़ेगा या घटेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बेटा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होगी, बहुत ज़्यादा घटेगी या बढ़ेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि $1.80 है ना, तो इसी को इसी के आसपास मेंटेन करे, ना तो ज़्यादा बढ़ने दे ना तो ज़्यादा घटने दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। जब हम अपने देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं कि भैया $1 कितने का, ₹1 कितने का, उसे बच्चों क्या बोलते, उसको बच्चों बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो €1 बेटा मान लो कितने का, 10 का, ये क्या है एक्सचेंज रेट। £1 बेटा मान लो कितने का, बेटा मान लो 100 का, ये क्या है एक्सचेंज रेट। एक प्यार, सॉरी प्यार नहीं, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। एक पार, बेटा पार का मतलब होता है पाकिस्तानी रुपया। एक पार बेटा मान लो 0.50 पैसे का। अब ये रेट ऐसी नहीं, यही होगी, एग्जाम्पल लिखा बेटा मैंने, ये रेट कुछ और भी हो सकती है, मैंने एग्जाम्पल लिखे। तो एक पार पाकिस्तानी रुपया 50 पैसे का, तो ये जो भी एक देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश में है उसे बच्चों क्या बोलते हैं एक्सचेंज रेट। आगे बोलता है द मॉनेटरी पॉलिसी एम्स एट मेंटेन द स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। मॉनेटरी पॉलिसी का एम है कि वो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी मेंटेन करे, ना तो ज्यादा वैल्यू बढ़े ना ज्यादा वैल्यू घटे। द सेंट्रल बैंक बाय ऑल्टरिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्राइज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अब जरा मेरी बात को सुनो, अगर भैया मान लो ये हो गया, बहुत बढ़ गया या भैया बहुत घट गया, तो क्या होगा? तो बेटा आरबीआई के पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है, रिजर्व माने गुल्लक, भंडार, कि आरबीआई के पास क्या है भैया, फॉरेन करेंसी का भंडार है, बहुत सारी फॉरेन करेंसी है, बहुत सारा डॉलर पड़ा हुआ है किसके पास, आरबीआई के पास। भैया कहां से आया, हम अपने देश के माल को बाहर बेचते हैं ना, तो बदले में क्या मिलता है डॉलर, और हमने बहुत सारा डॉलर इकट्ठा कर रखा है। अब कभी भी रेट घटती ये बढ़ती है या घटती है तो डॉलर को मार्केट में बेच के या मार्केट से खरीद के, क्या 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 कहा मैंने, सही कहा, आरबीआई क्या करेगा उन डॉलर को जो उन्हें इकट्ठा कर रखा है उसको मार्केट में बेच सकता है और मार्केट से खरीद सकता है। तो मार्केट, तो डॉलर को मार्केट में बेच के या खरीद के इस चीज को स्टेबल किया जाता है, प्राइस को स्टेबल किया जाता है। ये कैसे करता है तो उसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा फंक्शंस आरबीआई के तब मैं इसको पढ़ाऊंगा कैसे करते हैं। बस अभी इतना माइंड में रखो कि अगर ये घटेगा या बढ़ेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से उसको स्टेबल किया जा सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब जो भी भंडार है आरबीआई के पास डॉलर का, उसको ऑल्टर करके, ऑल्टर माने चेंज करके, चेंज का मतलब उसको बढ़ाकर या घटाकर, उस डॉलर की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर बेटा एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, ठीक है। और आखिरी ऑब्जेक्टिव है आपका इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी। अब ये इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी क्या होता है, तो ये इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जनता को पे करना पड़ता है लोन लेने पे। अब आरबीआई का एक आखिरी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जनता पे करती है, मैं बैंक में लोन मांगने गया और मेरे को बैंक को तन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसी इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो उस इंटरेस्ट को भी स्टेबल करना पड़ेगा ना। अगर बैंक वाले कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी ऊपर नीचे ऊपर, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है घट रहा है, अच्छी बात नहीं है बेटा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा तो मैं किस प्रकार लोन लूंगा, मैं लोन लूंगा ही नहीं, मैं सामान खरीद, मैं बैंक के पास लोन लूंगा ही नहीं, क्यों नहीं लूंगा, पता नहीं कभी इंटरेस्ट कहीं बढ़ता है कभी घटता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ससुर बैंक वाले।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्ट रेट को भी स्टेबल करना पड़ेगा ताकि जिन जिन लोगों को लोन की नीड है वो लोन ले सके और लोन लेके अपनी नीड को पूरा कर सके। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा तो लोग लोन नहीं ले पाएंगे, अपनी नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिखा है, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है एक देश के लिए। फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी। अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, तो इससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। इट मीन्स व्यक्ति अनसर्टेन होगा, अनिश्चित होगा कि भाई मैं लोन लूं या मैं लोन ना लूं, मैं लोन लूं या मैं लोन ना लूं, वो इस प्रकार की बातें सोचेगा। फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट ऑल्सो अफेक्ट द कंज्यूमर विलिंगनेस। इससे क्या होगा, कंज्यूमर की विलिंगनेस पर, उसकी इच्छा पर प्रभाव पड़ेगा। मान लो वो ड्यूरेबल गुड्स चाहता है खरीदना, जैसे कि वो भैया मकान चाहता है खरीदना, वो कार चाहता है खरीदना, वो फ्रिज चाहता है खरीदना, वॉशिंग मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, वो वस्तुएं खरीदना चाहता है, उसकी जेब में खुद का पैसा नहीं है, वो लोन लेकर खरीदना चाहता है भाई। लेकिन खरीदे तो खरीदे कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी स्टेबल करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करता है इंटरेस्ट रेट को स्टेबल करने में ताकि लोग अपनी इच्छा अनुसार सही से लोन ले सके। ये था आपका छठा ऑब्जेक्टिव। बेटा हर एक ऑब्जेक्टिव को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, एग्जाम्पल दे दे करके यहाँ पे लिख लिख के पढ़ाया है। होपफुली आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। और मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि सब कुछ ही आ गया होगा, बट आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या और थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ गया होगा ये काम कैसे करती है। अभी वेट करो बेटा, सबर करो, अभी आगे और भी लेक्चर आएंगे इसके ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी पूरी डिटेल में बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, डिटेल में कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने 6 ऑब्जेक्टिव, दो ये और ये दो, और इसका मीनिंग हमने पूरा किया। बेटा आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी के ऊपर आगे नई वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।